साउथ जोन पब्लिक के लिए सीजन ग्रीटिंग्स बोलता हूं मैं, और एज ए एडिशनल डीसीपी हैदराबाद सिटी टू आज मैं सबसे गुजारिश करता हूं, आज मैं बोलना चाहता हूं कि हैदराबाद साउथ जोन की रेजिडेंट्स को मैं बताना चाहता हूं कि आज ओल्ड सिटी हैदराबाद का इम्पॉर्टेंस क्या है। वर्ल्ड वाइड लोग जानते हैं कि जैसे कि हैदराबाद का अगर नाम लिया जाता है तो पहले हैदराबाद में जैसे कि चारमीनार, फलकनुमा पैलेस, चौमहल्ला, ये देखने के वास्ते दूर दूर से जैसे कि वर्ल्ड वाइड लोग आते हैं। तो जैसे कि जब वो लोग हैदराबाद चारमीनार के पास आते हैं तो जो ट्रैफिक और जैसे जो अपना ट्रैफिक मेंटेनेंस, जो अपना जो देख हम जो कर रहे हैं हैदराबाद में, जो पब्लिक जो निग्लेक्ट कर रहे ट्रैफिक रूल्स को, तो उसके बावजूद उसके जो इमेज जो ले जा रहे हैं वो लोग जो ट्रैफिक का, उसको ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज जैसे कि मैं सबसे अपील करता हूं कि जैसे कि आप सब इस ड्राइव में यानी हैदराबाद ओल्ड सिटी को एक्सीडेंट फ्री बनाने में और हैदराबाद ओल्ड सिटी को रौनकदार यानी ट्रैफिक रूल्स को जैसे कि एकदम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हुए जो ट्रैफिक रोड यूजर्स है वो लोग किसी बगैर हर्डल के जैसे कि अपने जो वाइटल इंस्टॉलेशन चारमीनार है, चौमहल्ला है और फलकनुमा पैलेस है, जो भी ओल्ड सिटी के इम्पॉर्टेंट एरियाज है, वहां पर ट्रैफिक फ्लो जैसे कि इजी करने में आप लोग सबका ताउन चाहता हूं मैं, ट्रैफिक हैदराबाद साउथ पुलिस से। और इसमें मेनली जैसे कि हम हमारे तरफ से जैसे कि बहुत सारे ट्रैफिक हर्डल एरियाज आइडेंटिफाई करें जहां पर ट्रैफिक के लिए जो जीएचएमसी एंड दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन से जैसे कि थोड़े इंजीनियरिंग का काम करना है, वो काम भी हम हमारे तरफ से जरूर करेंगे। लेकिन पब्लिक का से जैसे कि रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे कि जब भी आप लोग नल के लिए रोड खोद रहे हैं यानी किसी और पर्पज से अगर रोड खोद रहे हैं तो इमीडिएटली वो रोड को जैसे कि फिर म्यूनसिपालिटी और कंसर्न आरएनबी डिपार्टमेंट के कोऑपरेशन से जैसे कि रोड्स को फिर मेड गुड करें और अननेसेसरी जैसे कि रोड को डैमेज ना करें। और जहां पर भी रोड डैमेज कर रहे हैं तो जो एटलीस्ट आप नहीं कर सक रहे तो कम से कम इन्फॉर्म करें, जब तक वहां पर कोई एक्सीडेंट नहीं होता, जब तक कोई वहां पर इंसिडेंट नहीं होता वो जैसे कि कंसर्न डिपार्टमेंट वालों के नॉलेज में आ रहा नहीं इश्यूज, तो उसको जैसे कि आप लोग कानून को फॉलो करें और कानून का साथ दे के जैसे कि हैदराबाद सिटी में ओल्ड सिटी में जैसे कि ट्रैफिक मेंटेन करने में। और ज्यादा जैसे कि देखा जाता कि हैदराबाद में माइनर ड्राइविंग जो बच्चे जो भी ज्यादातर जैसे कि जो बच्चे रोड पे चलाते दिखते ना तो लाइसेंस रहता ना तो लाइसेंस का एज वाला रहता। पहले तो जैसे कि लाइसेंस का एज अंडर एज वाला चलाने का प्रॉब्लम है और जो एक्चुअल जो डिजर्विंग एज वाला है उसका भी लाइसेंस नहीं रहता। आज मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों को बगैर लाइसेंस का अगर कुछ इंसिडेंट हुआ तो इंश्योरेंस है और व्हीकल ओनर है, अगर किसी अंडर विदाउट लाइसेंस ड्राइवर का अगर एक्सीडेंट हुआ, अगर उसको एक्सीडेंट भी अगर हुआ तो ड्राइवर का व्हीकल का ड्राइवर को जैसे कि केस में इंक्लूड कर सकते। और या तो जैसे कि जो एक्सीडेंट जब हो रहा तो विक्टिम का जैसे कि पैसे इंश्योरेंस नहीं मिलते उसको, तो ये सब प्रॉब्लम्स को नजर में रखते हैं। जो भी जो एक्चुअल डिजर्विंग एज वाले हैं जो लाइसेंस लेने में, जल्दी हम लोग कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करके एक लाइसेंस मेला लगाएंगे जिसमें जैसे कि जो भी अंडर जो भी जो एज जो लाइसेंस के लिए डिजर्विंग एज वाले हैं वो अप्लाई करके लाइसेंस अपना एक लाइसेंस बनाए प्रॉपरली। और ऑटोज पर्टिकुलरली चंद्रायनगुट्टा टू जो चंद्रायनगुट्टा टू इधर संतोष नगर एंड चंद्रायनगुट्टा टू एलवी नगर एंड चंद्रायनगुट्टा टू इधर कोसा मैलादेवपल्ली जो भी एरियाज में जैसे कि जो ऑटोज चल रहे हैं वो ऑटोज में भी जैसे कि ज्यादा लोग जैसे कि विदाउट लाइसेंस वो लोग ड्राइव कर रहे हैं और ओवर क्राउडेड ऑटोज में पैसेंजर्स को अलाउ कर रहे हैं। और वो वहां पर भी अगर उस हालात में भी अगर एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर क्या है, ड्राइवर तो कमा लेता पैसे लेकिन विक्टिम को जब एक्सीडेंट अपील के लिए अगर गए पैसों को वास्ते गए तो उसको पैसे नहीं मिलते। तो इसलिए जैसे कि हम आपको बोल रहे हैं कि ऑटो में जब ट्रैवल करते वक्त भी आपकी जिम्मेदारी है कि जैसे कि प्रॉपर ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने वाले के ऑटो के साथ जाए हम लोग। और अब रही बात जैसे कि ट्रिपल राइडिंग में जैसे कि पब्लिक को मैं देखता हूं कि यहां के पब्लिक को ट्रिपल राइडिंग भी एक जुर्म है या नहीं है, सो मालूम है या नहीं है। मैं समझता हूं कि जैसे कि बहुत सारे लोगों को ट्रिपल राइडिंग करना, ओवर राइड करना, ओवर स्पीडिंग करना और गाड़ी का नंबर प्लेट बदल देना,
और ऑटोज पर जैसे कि